हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टू टू लर्न पर। आज हम लोग क्लास सिक्स का मैथमेटिक्स चैप्टर करके देखो 1.2 का 7 नंबर सम्स करने वाले हैं। इससे पहले मैंने 1 to 6 तक करवाई हूँ, ठीक है? तो आप लोग आई बटन पर जाकर देख सकते हैं। 7 नंबर सम्स क्या? नीचे दी गई संख्या की एक एवं मौलिक उत्पादक का विश्लेषण करके मासा पर ढूंढो, मतलब ये सम्स है, ठीक है? ये 7 नंबर सम्स कर रहे हैं, ठीक है? तो ए नंबर क्वेश्चन क्या है आपका? 22, 44, ठीक है? तो इसको क्या करना है, मौलिक उत्पादक का विश्लेषण मसा पर ढूंढने बोला गया है। तो मसा पर कैसे करेंगे, देखिए, मौलिक उत्पादक द्वारा मसा पर, ठीक है? तो 22 को अलग से कीजिए, इसका उत्पादक कीजिए। तो 2 से करेंगे हम लोग, तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ठीक है? और 11 1 जा 11, ठीक है? 44 का कीजिए, 2 से ही कर रहे हैं, ठीक है? 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, फिर 2 से ले लीजिए 11 बार में, फिर 11 1 जा 11, ठीक है? तो 22 बराबर कितना आया मेरा? 2 × 11 × 1। और 44 बराबर कितना आया? 2 × 2 × 11 × 1। तो बोला गया था क्या क्वेश्चन में, एक एवं मौलिक उत्पादक का विश्लेषण करके। तो एक तो मिल ही रहा है, ठीक है? एक के अलावा और क्या मिल रहा है? तो 22 और 44 का मसप, ठीक है? तो क्या मिल रहा है, देखिए, 2 2 मिल रहा है ना, ये 2 मिल रहा है, ये 2 मिल रहा है, तो ये 2 लिखेंगे। और 11 मिल रहा है, 11 मिल रहा है दोनों में, तो 11 भी लिख दिए। तो कितना आंसर लिखेंगे? 22, ये आंसर है, ठीक है? 22 आंसर है, ये मौलिक उत्पादक द्वारा हुआ, ठीक है? और एक मसप होता है आपका डिवीजन मेथड द्वारा ना, भाग पद्धति द्वारा, तो वो अलग ढंग से होता है, उसको हम बाद में बताएंगे, ठीक है? क्या है आपका? 54, 72, इसका क्या करना है, मसप करना मौलिक उत्पादक द्वारा। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, 54 को तोड़िए, उत्पादक कीजिए, गुणनखंड, ठीक है? तो ये 2 से जाएगा, 2 2 जा 4, और 1 बचा, 14 हो गया, 2 7 जा 14। फिर 27 किससे जाएगा? 3 से, 3 3 3 9 जा 27, फिर 3 से 3 3 जा, फिर 3 1 जा 3 हुआ, फिर 72 को तोड़िए, गुणनखंड कीजिए 2 से, ठीक है? इसको गुणनखंड भी बोल सकते हैं क्या, उत्पादक विश्लेषण भी बोल सकते हैं। तो ये हम लोग 2 3 जा 6, और 1 बचा, 2 6 जा 12, 2 से 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, फिर 2 से 2 9 जा 18, फिर 3 से ले जाएंगे, 3 3 जा, और 3 1 जा 3, ठीक है? अब लिखिए 54 इक्वल टू क्या क्या आया आपका, 2 × 3 × 3 × 3 × 1। और 72 बराबर कितना आया, 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 1, ठीक है? तो हम लोग लिखेंगे 54 और 72 का मसप क्या आया, देखिए 2 2 मिल रहा है, लिखेंगे 2, ठीक है? यहाँ लिख दे रहा है, ठीक है? फिर क्या मिल रहा है आपका, 3 3 मिल रहा है, 3 3, फिर क्या मिल रहा है, 3 3 मिल रहा है, ठीक है? और कुछ मिल रहा है नहीं, 1 तो मिल ही रहा, तो 1 को तो लिखना नहीं है। तो यहाँ पे आपका क्या मिल रहा है, बस 2 2 मिल रहा है, 3 3 मिल रहा है, 3 3 मिल रहा है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, आंसर क्या आएगा, 18 आंसर आएगा 2 का, ठीक है? सी नंबर क्या है, 27, 64, 27 को गुणनखंड कीजिए, 3 से जाएगा, 3 9 जा 27, फिर 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 64, 2 से ले जाइए, 2 3 जा 6, 2 2 जा, फिर 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 होता है, 2 1 जा 2। तो यहाँ 27 इक्वल टू कितना आया, 3 × 3 × 3 × 1, और 64 इक्वल टू 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 1 2 3 4 5 6 5 और 6 बार लिख दिए 2। तो देखिए इसमें 27 और 64 का मसप कितना आएगा, देखिए मिल रहा है, कोई कुछ भी नहीं मिल रहा, सिर्फ 1 1 मिल रहा, तो यहाँ 1 आंसर आएगा, ठीक है?
ये डी नंबर क्या है 36.30, तो 36 का उत्पादक कीजिए गुणनखंड, 2 से ले जाएंगे, 2 1 2 2 8 16, फिर 2 9 18, फिर 3 3 9, 3 1 3, ठीक है। आप 30 का कीजिए, 30 का कर रहे हैं, 2 से ले जा रहे हैं, 2 1 2 2 5 10, फिर 3 से जाएगा, 3 5 15, और 5 1 5, तो यहाँ पे क्या आएगा 36 इक्वल टू 2 × 2 × 3 × 3 × 1, और 30 का क्या आएगा 2 × 3 × 5 × 1, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 36 और 30 का मसापा क्या आएगा, क्या क्या मिल रहा है, 2 2 मिल रहा है और 3 3 मिल रहा है, और कुछ मिल रहा है नहीं, तो 2 × 3 तो इक्वल टू 6 आंसर, ठीक है। 6 कि ई नंबर सम्स क्या आपका 28.35.49, तो इसको भी हम लोग क्या करना है मसापाई करना है, तो 28 को कीजिए, देखिए उत्पादक विशेषण कीजिए या गुणनखंड कीजिए, ठीक है। 2 1 2 2 4 8, फिर 2 से ले जाएंगे, 2 7 14, फिर 7 ले जाएंगे, 7 से 7 1 7, अब 35 को करिए गुणनखंड कीजिए, तो 35 किससे जाएगा, 5 से जाएगा, 5 7 35, ठीक है, 7 1 7, फिर 49 को ले जाइए, 49 किससे जाएगा आपका 7 का टेबल से ही जाएगा, सिर्फ 7 7 7 49, 7 1 7, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 28 इक्वल टू 2 × 2 × 7 × 1, और 35 का क्या लिखेंगे 35 इक्वल टू 5 × 7 × 1, और 49 इक्वल टू क्या लिखेंगे 7 × 7 × 1, तो हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए आंसर लिखेंगे 28.35 और 49 का मसापा कितना आएगा, क्या क्या मिल रहा है आपका, 7 7 7 ही मिल रहा है, और कुछ मिल रहा है, सिर्फ 1 मिल रहा है और कुछ नहीं मिल रहा है, तो सिर्फ क्या लिखेंगे 7 ही आंसर लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे 7, ठीक है, ये आंसर 7 हो गया। एफ नंबर क्वेश्चन क्या है आपका 30.72.96, तो करिए 36 को गुणनखंड कीजिए, 2 से ले जाएंगे, 2 1 2 2 5 10, फिर 3 से ले जाएंगे, 3 5 15, फिर 5 से ले जाएंगे, 5 1 5, फिर 72 को कीजिए, 2 से ले जाएंगे, 2 3 6, 2 6 12, 2 1 2 2 8 16, फिर 2 9 18, फिर क्या आ जाएगा 3 3 3 1 3, ठीक है, फिर 96 को कीजिए गुणनखंड, 2 3 6, 2 4 8, 2 8 16, फिर 2 से, 2 2 4, 2 4 8, फिर 2 से, 2 1 2, 2 2 4, फिर 2 से, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3, ठीक है। अब क्या लिखेंगे हम लोग, 30 इक्वल टू कितना आया 2 × 3 × 5 × 1, और 72 इक्वल टू कितना आया 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 1, और 96 इक्वल टू 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 1, तो हम लोग क्या लिखेंगे आपका 30, 72 और 96 का मसापा इक्वल टू कितना, क्या क्या मिला, 2 2 2, तीनों में मिलना चाहिए, ठीक है, तो 1 2 हुआ, फिर आपका 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, 3 3 और 3 3 मिला, और कुछ मिल रहा है नहीं, तो हम लोग क्या लिखेंगे 3 2 6 आंसर, ठीक है, 6 आंसर आएगा। तो जी नंबर क्या है आपका
20, 25, 30 शून्य के अलावा संख्या लिखो। तो हम लोग क्या करेंगे, इस सभी का मसा पकड़ना है, ठीक है। तो 20 का गुणनखंड कीजिए, 2 से काटिए, 2 1 जा 2, 2 0 जा, फिर 2 का टेबल में 10 कितना बार, 5 बार में आता है, फिर 5 1 जा 5, ठीक है। अब 25 को करिए गुणनखंड, 5 5 जा 25, फिर 5 1 जा 5 हो गया। फिर 30 को कीजिए, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, फिर 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, तो कितना आया, 20 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 1, फिर 25 इक्वल टू क्या आया, 5 इंटू 5 इंटू 1, और 30 इक्वल टू क्या आया आपका, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 1। तो हम लोग देखिए क्या जो तीनों मिलेगा वही ना आंसर होगा, 20, 25 और 30 का मसप इक्वल टू क्या क्या मिल रहा है, देखिए 5 5 5 मिल रहा है, ठीक है, 5 मिल रहा है, फिर और क्या मिल रहा है, और कुछ भी नहीं मिल रहा, तो सिर्फ आंसर क्या लिखेंगे, 5, ठीक है, 5 आंसर आएगा। 8 नंबर क्या है आपका, संख्या को भाग पद्धति से मसप निकालो, ठीक है। तो हम लोग देखिए कॉपी में कर रहे हैं, ठीक है, संख्या को भाग पद्धति से मसप निकालो, मतलब भाग पद्धति द्वारा मसप करना है, ठीक है। तो ए नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, 28, 35, ठीक है। अब भाग पद्धति से मसप कैसे होता, देखिए इस दोनों में कौन छोटा है, 28 छोटा है, 28 से 35 को भाग करेंगे, ठीक है। अब 28 का टेबल में 35 आता नहीं आता है, तो 1 बार में 28 ले जाएंगे। अब इसको लेस कीजिए, घटाइए, 15 में से 8 गया 7, 2 में से 2 गया 0, कटम डाल देते हैं, ठीक है। अब ये जो बचा ना भाग शेष, इससे क्या करेंगे, इसको भाग देंगे, ठीक है, 7 से 28 को भागा करेंगे, ठीक है ना, 7 से 28 को भाग दे रहे हैं। जब तक ये कटता नहीं है ना संख्या, तब तक क्या करते हैं, भाग देते जाते हैं, ठीक है। 7 से जो भाग शेष बचेगा उससे देते जाएंगे, ठीक है, जिसे भागा देते हैं। तो 7 से 28 कितना बार में था, 7 के टेबल में 4 बार में 28, देखिए ये कट गया ना पूरा, तो ये इस साइड का आंसर लिखते हैं, मसा पर क्या लिखेंगे, इक्वल टू 7, आंसर यही आएगा, ठीक है, इस साइड का लेते हैं, ठीक है। देखिए बी नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, बी नंबर क्वेश्चन है आपका 54, 72, तो ये दोनों में कौन छोटा है, 54 ही छोटा है, 54 से 72 को ले जाइए, भाग कीजिए, तो 54 1 जा 54 ही जाएगा। अब क्या करेंगे, घटाएंगे, ठीक है, तो 12 में से 4 गया 8, 6 में से 5 गया 1, 18 बचा ना, अब 18 से क्या करेंगे, इसको भाग देंगे, ठीक है। तो ये 18 से 54 को भाग, 18 का पारा में 54 आता है, 54 तीन बार में, ठीक है, 54 आता है, तो क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे, मसप इक्वल टू 18 आंसर, ठीक है। ये क्या है, जो भाग, ये भाग से जो बचता है ना, उसे क्या करते हैं हम लोग, ये इसको क्या बोलते हैं, आपका भाजक ना, और इसको भाज्य, इसको भागफल, तो ये भाज्य को क्या करते हैं, फिर डिवाइड भागा देते हैं, ठीक है। ये जो भाग से बचता है उसे क्या करते हैं, भाज्य को भाग देते हैं, ठीक है, फिर कटता है तो काट देते हैं, और जब नहीं बचता, देखिए मान लीजिए यहाँ पर कुछ बचता, तो फिर इससे इसको ले जाते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आया 18। देखिए सी नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, 27, 63, ठीक है। तो 27 छोटा है ना 63 से, तो 27 से 63 को ले जाइए, भाग कीजिए, तो 27 का टेबल 2 बार पढ़िए कितना आएगा, 54 आएगा, ठीक है। तो हम लोग 54 तो ले जा सकते हैं, 2 बार में 54 ले गए, बचेगा क्या, 13 में से 4 गया 9, और ये 5 हो गया ना, 5 में से 5 गया 0। अब 9 से क्या करेंगे, 27 को ले जाएंगे, ठीक है, 9 3 27, तो कट गया ये, तो आंसर हम लोग क्या लिखेंगे, मसप इक्वल टू 9, ठीक है, मसप क्या आएगा, 9 आएगा, ठीक है ना, क्योंकि इस साइड का लेते हैं ना मसप में, तो 9 आंसर लिखेंगे। डी नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, 25, 35, 45, तो 25 छोटा है ना, तो और ये 35 है इसके बाद, ठीक है, तो 25 से 35 को ले जाइए, ठीक है,
25 बचेगा क्या? 10 ना, 10 से 25 को ले जाइए। 2 बार में 20 गया, फिर 5 बचा, 5 से फिर 10 को ले जाएंगे, ठीक है। 5 2 10 ये हो गया। अब मसा क्या है इसका? 5 आया इस दोनों में, 5 से 45 को ले जाएंगे। क्या करेंगे? क्योंकि 3 था ना, 3 संख्या था, तो 5 9 45, ठीक है। तो आंसर क्या लिखेंगे हम लोग? मसापा इक्वल टू 5 आंसर, ठीक है। तो 48 72, ये नंबर क्वेश्चन क्या? 48, 72, 96। 48 छोटा है ना, फिर उसके बाद ये नंबर है ना, तो 48 से 72 ले जाइए। तो 48 2 जा कितना होता है? 96, ठीक है। तो 96 तो बड़ा हो जाएगा, तो 1 बार में ही 48 ले जाएंगे, ठीक है। अब घटाइए, 12 से 8 गया, 4 बचा, और 6 से 4 जाएगा तो 2 बचेगा। अब 24 बचा, 24 से 48 ले जाएंगे, ठीक है। 24 2 जा कितना होता है? 48 आता है, देखिए। तो ये कट जाएगा, तो आंसर क्या आया इस दोनों में? 24 आया ना। अब 24 से 96 ले जाएंगे, 24 से 96 तो कितनी बार में आता है? 4 बार में आता है 96, ठीक है। तो आंसर हम लोग क्या लिखेंगे? 24, ठीक है। 96 कट गया 4 बार में, ठीक है। अब मसा पर क्या लिखेंगे? 24, यही हम लोगों का आंसर है, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका? नीचे दी गई संख्या को मौलिक उत्पादक विश्लेषण करके लसा पर निकालो, ठीक है। तो हम लोग कॉपी में कर रहे हैं, ठीक है। तो लिखा हुआ है 25, ए नंबर क्वेश्चन क्या है? 25, 80। तो देखिए, मौलिक उत्पादक मतलब क्या? गुणनखंड द्वारा करना है, ठीक है। ये 25 को अलग से करिए और 80 को अलग से गुणनखंड कीजिए। तो 25 का टेबल, 25 किसके किस में आता है टेबल? 5 बार में, 5 का पारा में आता है, 5 बार में, 5 का पारा एक पड़ेंगे तो कितना आएगा? 5 एकम 5, ठीक है। और 80 को तो गुणनखंड कीजिए, 2 चौके 8 0, फिर 2 दूनी 20 बार में, फिर 10 बार में, फिर 2 पच्चीस 10, ठीक है। और 5 एकम 5, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? 25 इक्वल टू कितना आया? 5 गुने 5 गुने 1। और 80 बराबर कितना आएगा? 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 गुने 1। तो देखिए, मसापा में क्या होता है? जो मिलता है, जो जो दोनों में आएगा वही ना मिले, वही आंसर लिखते हैं। लसापा में क्या करते हैं? 25 और 80 का लसापा, ठीक है। लसापा क्या आएगा? देखिए, 5 5 मिल रहा है ना, ये लिखेंगे, और जो नहीं मिल रहा वो भी लिखेंगे, ठीक है। ये भी 5 लिखेंगे, और 2 4 बार है ना, तो वो भी लिखेंगे, 2 4 बार भी। तो कितना आएगा? 5 5 से 25 25 दूनी 50 50 दूनी 100 100 दूनी 200 200 दूनी 400, तो यहाँ आंसर आएगा 400, ठीक है। ये लसापा है, जब मसापा करते हैं तब ना एक दोनों में जो मिलेगा वही लिखेंगे, मगर लसापा में क्या किया था? जो मिलता है वो भी लिखते हैं, 2 जैसे 1 बन जाता है, और जो एक अकेला रहता है ना वो भी लिखा जाता है, ठीक है। बी नंबर क्वेश्चन क्या है? 36, 39, ठीक है। 36, 39, तो 36 को गुणनखंड कीजिए, ठीक है। 2 एकम 2 2 8 16, फिर 2 9 18, फिर 3 से जाएगा, 3 3 9, 3 1 3। अब 39 को तोड़िए, ठीक है, गुणनखंड कीजिए। यह उत्पादक विश्लेषण, मौलिक उत्पादक कर रहा है, ठीक है, जो भी बोल सकते हैं। तो यहाँ 3 से ले जाएंगे, 3 1 जा 3 3 3 जा, अब तो नहीं जाएगा, तो 13 1 जा 13। तो हम लोग क्या लिखेंगे? 36 इक्वल टू 2 × 2 × 3 × 3 × 1, और 39 इक्वल टू 3 × 13 × 1, तो 36 और 39 का लसापा क्या आएगा? 2 2 लिखेंगे ही, और क्या? 3 3 2 3 1 3 बना, 1 3 और है, और 1 13 है, तो गुना कीजिए, 2 2 4 4 3 12 12 36 36 × 13 कीजिए, कितना आता है? 6 3 18 में 1 9 1 10, फिर 6 और 3 8 6 4,
468 आंसर आएगा, ठीक है, 468 आंसर आएगा। 32.56, तो 32 को गुणनखंड कीजिए, 2 1 2, ठीक है, और 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, और 2 2 4, और 2 1 2, 56 का गुणनखंड कीजिए, 2 2 4, 2 8 16, 2 1 2, 2 4 8, 2 7 7, 1 7, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 32 = 2 × 2 × 2 × 2 × 2, और 56 = 2 × 2 × 2 × 2 × 7 × 1, ठीक है, तो 32 और 56 का लसप क्या आएगा, 2 2 मिला 1 2, फिर ये 2 2 मिलकर 1 2 2 बना, फिर ये 2 2 मिलकर 1 2 2 बना, फिर बचाइए, फिर 7, तो गुना कीजिए, 2 2 4, 4 4 8, 8 16, 16 32, 32 7 कितना आता है आपका, ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, 32 7 कितना आता है, 7 2 14 हाथ में 1, और 7 2 14 हाथ में 7 21 22, ठीक है, 224 आंसर आएगा, ठीक है, तो 36.48 एवं 72, तो 36 का गुणनखंड कीजिए, 2 1 2, 2 16, 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3, फिर 48 को कीजिए, 2 2 4, 2 6 8, 2 1 2, 2 2 4, 2 6 12, 2 3 6, और 3 1 3, ठीक है, 72 का कीजिए, 2 3 6, 2 6 12, 2 1 2, 8 जा, 2 9 जा, 3 3 जा, 3 1 3, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 36 = 2 × 2 × 3 × 3 × 1, और 48 = 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 1, और 72 =, ठीक है, 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 1, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 36, 48 और 72 का लसप, ठीक है, तो क्या आएगा, 2 2 2 मिल रहा, तो 1 2, फिर ये दो मिल रहा, 2 2, फिर ये 2 मिलके 1 2, फिर ये अकेला 2 बच गया, फिर ये तीन मिलकर 1 3, फिर ये तीन मिलकर 1 3, तो कितना हो जाएगा आपका, 2 2 4, 4 4 8, 8 16, 16 16, 16 3 48, 48 3 24, 7 2, 12 2 13 14, 144 आंसर आएगा, ठीक है, नंबर क्वेश्चन क्या आपका, 25.35 एवं 45, तो 25 को गुणनखंड कीजिए, 5 5 जा, फिर 5 5 जा 5, 35 को तोड़िए, गुणनखंड कीजिए, तो ये कितना जाएगा, 5 से जाएगा, 5 7 जा 7 1 जा 7, फिर 45 को कीजिए गुणनखंड, 5 9 जा, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, तो कितना आया, 25 = 5 × 5 × 1, 35 = 5 × 7 × 1, और 45 = 5 × 3 × 3 × 1, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 25, 35 और 45 का लसप कितना आएगा, देखिए 5 5 सभी मिला ना, 3 5 1 5 बन गया, फिर क्या बच रहा है, 7 बच रहा है, 5 बच रहा, तो ये भी लिखेंगे, 7 भी लिखेंगे, और 2 3 है वो भी 3 लिखेंगे, तो कितना आ जाएगा, 5 5 25, 25 7 आपका
125 × 175 और 175 का 9 बार पहाड़ा पड़ेंगे कितना आएगा, 9 × 5 = 45, हाथ में 4 और 9 × 7 = 63, 4 × 67 हाथ में आया 6 और 9 × 6 = 15, 1575 आंसर आएगा। ठीक है, कितना आएगा 1575, 1575 आंसर लिखेंगे। ठीक है, नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, 32, 40 एवं 84। 32 को कीजिए गुणनखंड, 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 12, फिर 2 × 2 = 16, फिर 2 × 2 = 4, 8, 2 × 2 = 2, 2 × 1 = 2, फिर 40 को कीजिए गुणनखंड, 20 बार में गया, फिर 2 का टेबल में 10 बार में आएगा 20, 2 × 5 = 10, फिर 5 × 1 = 5, फिर 84 को कीजिए 2 × 4 = 8, 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 2, 1 = 2, 3 × 3 = 7, फिर 7 × 1 = 7। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 32 = कितना आया, 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 1, 2, 3, 4, 5 और 1, फिर 40 = कितना आया, 2 × 2 × 2 × 5 × 1, फिर आया 84 = 2 × 2 × 3 × 7 × 1। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 32, 40 और 84 का लसप इक्वल टू क्या आएगा, 2, 2, 2 मिला, फिर 2, 2, 2 मिल रहा, फिर 2, 1, 2, 2 मिल के 1, 2 बना, फिर 5, 2 है ना, तो 5 × 2 लिखना पड़ेगा। लसप में क्या किया था, हाईएस्ट, और जो जो जैसे एक संख्या 2 है, ठीक है, 2 जितना अधिक मात्रा में रहेगा वो लिख देंगे, ठीक है, और मसप में क्या किया जाता है, कम देखा जाता है। ठीक है, आप देखिए 2 की मात्रा सब में है, 2 2 की मात्रा, तो 2 की मात्रा ज़्यादा किस में है, 5 है, तो 2 की संख्या 5 लिख देंगे, फिर 5 1 है तो 5 1 लिखे, फिर 7 है, फिर 3 है, ठीक है, तो 2 × 2 = 4, 4 × 4 = 8, 8 × 16 = 32, 32 × 25 कितना होता है, रफ में कर देते हैं, 5 × 10 = 7, 15 × 1 = 16, 160, फिर 7 × 3 = 21, 21 बार में कर, 21 से कीजिए गुना, 0, 6 और 1, यहाँ 0, 12 × 1 = 2 और 1 = 3, कितना आ जाएगा, 3360 आंसर आएगा। ठीक है, इसका 3360 आंसर आएगा। मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।